विठल, कितनी गर्मी हो रही है यहां पे। ऐसा लगता है कि चूल्हे की आग यहां तक फैल गई है। ये लीजिए नींबू शरबत। नींबू शरबत है? अच्छा बेटी, इधर आओ। ये लो पंखा और इनको झलते रहना। ये शादी कब शुरू होगी महालसपति जी? बस पंडित जी अभी आते ही होंगे। सेवा सत्कार के लिए कम से कम 10 लोग होने चाहिए थे यहाँ पे, सबको पंखा झलने के लिए। हरिओम सरकार, पधारी आई। सरकार, ये विष्णु के ताऊजी हैं, परिवार के सबसे वरिष्ठ सदस्य यही हैं। और ताऊजी, ये हमारे गांव के मुखिया कुलकर्णी सरकार है। सरकार, यही है वो ताऊजी जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्हें यहाँ किसी भी चीज से खुशी नहीं मिल रही है। हरिओम, आते समय मुझे जानकारी मिली कि आपको बड़ी असुविधा हो रही है यहाँ पे। यदि मुझे पता होता कि बारातियों की सेवा करने के लिए यहाँ लोगों का अभाव है तो मेरे साथ कुछ दास ले आता मैं, जो आप सब लोगों का ध्यान रखते। हरिओम। बहुत सुना था आपके बारे में, आज आपसे मुलाकात हो गई। पता चलेगा। क्या बताऊं सरकार, जलपान इतना बेकार था कि न निगला जा रहा था न थूका जा रहा था। भूख से बिलबिला रहा हूं मैं। एक भी इंतजाम ढंग से नहीं किया इन्होंने। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मेरे भतीजे की शादी ऐसी होगी। मैंने सुना है इस विवाह के पीछे साईं नाम का कोई बैरागी का हाथ है। बैरागियों के चक्कर में पड़ के रिश्ते जोड़ेंगे तो ऐसे भिखारी लोग ही मिलेंगे ना। हरिओम हरिओम। मंता पंता जी। सरकार सरकार, ताऊ जी को बहुत भूख लगी है, रसोई में जाओ, वहां खाने के लिए कुछ बना होगा तो किसी को कहो प्रबंध करें। हरिओम जी। जी सरकार। हरिओम जी। सुनो, दूध आ जाए तो बताना, खीर पकानी शुरू करनी है मुझे। हाँ जी। सभी को आपके हाथों की बनाई हुई खीर की प्रतीक्षा है भाई साहब का।
बस खीर अच्छी बन जाए। मुझे तो घबराहट हो रही है। ये खीर बना रही अपने हाथों से, अगर ये खीर खराब हो गई तो कई हिसाब चुकता हो जाएंगे बाजार का से। लड्डू, हाँ मैंने कहा था ना तुम सबसे, यमुना दीदी के विवाह में हमें मिठाइयाँ खाने को मिलेंगी। मालसा पति जी और यमुना दीदी ने हमें याद रखा। चलो चलो सब खा लो मिठाई। अंता जी, आज एक साथ दो दो खुशियां मनाने का अवसर मिलेगा हमें। हाँ अंता जी, साई के दोनों भक्तों पर क्या निशाना साधा है हमने। वहिनी, क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? पता नहीं क्यों केशव को लेकर कल से बहुत चिंता हो रही है मुझे भाईजाक का। हर ईश्वर तो जैसे मेरा दिल आशंका से बैठा ही जा रहा है कि कुछ कुछ बुरा होने वाला है। डरो मत। देखो जो कल हुआ से भूल जाओ, हम तो तुमसे दोस्ती करने आए हैं। आज विद्यालय में अवकाश है, हम लोग खेलने जा रहे हैं, तुम खेलोगे हमारे साथ? ठीक है तो चलो फिर। भाईजाक का इतने में हो जाएगा ना? मुझे लगता है कम पड़ जाएंगे, थोड़ी सी और ले लीजिए। अरे सुनो, बच्चे के पेट में बहुत दर्द है, यही हाल रहा तो जीवित नहीं बचेगी। केशव, 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 केशव उधर नहीं, इधर, इधर, केशव इधर, केशव, केशव इधर, केशव उधर नहीं, इधर, पकड़ो हमें केशव। अरे इधर, 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 केशव, केशव। Thank you.
ये तुम लोग मुझे कहाँ लेके आ गए? जंगल लुका छुपी खेलने के लिए तो बहुत सारे पेड़ पौधे चाहिए ना, तभी तो आनंद आएगा खेलने में। हाँ और नहीं तो क्या। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं तो। तो चलो फिर खेलते हैं। चलो चलो ढूंढो हमें। आओ केशव। केशव इधर। केशव इधर। केशव इधर आओ। भाईदा का खीर बन गई क्या? हाँ हाँ बस बनी रही है। चलो बेटा। केशव मैं यहाँ हूँ। केशव केशव पकड़ो। भाईजाक का हाँ? आपने खीर में इलायची नहीं डाली? हाँ डाली थी ना। खीर में हींग डाल दी मैंने। खंडोबा इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? पाइजाक का हाँ? खीर बनी।
बेटी की शादी में अनर्थ हो गया मुझसे, क्या क्या करूं मैं? साईं, मेरे केशव की रक्षा कीजिए। कभी भी मुसीबत आए, संकट आए, तो मन से साईं को याद करना, प्रार्थना करना उनसे, भयमुक्त करेंगे वो। साईं मेरी रक्षा कीजिए, साईं मेरी रक्षा कीजिए। गलती से हींग डाल दी मैंने, दूध फट गया, खीर खराब हो गई, और अब इतना समय नहीं है कि मैं दोबारा से खीर बनाऊं। कहीं ये कोई अपशकुन तो नहीं? साईं ने तो कहा था कि सब ठीक होगा, फिर इस विवाह में इतनी बाधाएं क्यों? साई का ही आसरा है।
मुझे छोड़ के मत जाइए। साई मदद करो मेरी। साई मेरी रक्षा कीजिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अनेक भी तू। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। अब तो विवाह भी शुरू हो गया है। पायसमा, इतनी उदासी अच्छी नहीं लगती आप पर। साई यमुना को बेटी माना है मैंने, उसके विवाह के लिए बनाई खीर खराब कर दी मैंने। जानते हो हर माँ चाहती है कि उसकी बेटी के विवाह से कोई भी असंतुष्ट होकर नाराज होकर ना जाए, लेकिन अब तो वही होने वाला है। लेकिन पायसमा, आपसे किसने कहा कि खीर खराब हो गई है? मैंने खुद देखा है साईं, दूध फट गया है। बाजमा आपको, साईं आप ही बारातियों के साथ भोजन कर लीजिए। इन्हें बहुत दूर जाना है, इसलिए इन्हें पहले खाना परोस रहा हूँ। महासपति जी, बेटी का ब्याह है, पहले कैसे खा सकता हूँ? मैं खीर परोसूंगा। जैसे आपकी इच्छा। खराब हो चुकी खीर कैसे परोस सकते हो तुम? वो खीर नहीं है बायजामा, वो आपकी ममता है। हर ममता कभी खराब नहीं हो सकती। लेकिन वो हींग, आया हूँ साई मोरे बीच मझधार, तुम ही लगा दो साई तुम ही पार। थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता तुम ही हो मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन अलख निरंजन। मुझे भी खीर परोसो, शायद खीर तो स्वादिष्ट होगी। क्या खीर अपने जीवन काल में इतनी स्वादिष्ट खीर पहले मैंने कभी नहीं खाई। और दीजिए खीर, लाइए। एक भी तू, अनेक भी तू।
निरंजन साईरा अज्ञान तिमिर से घिरा बन ज्योतिष भंकर साई आशीर्वाद से इस खीर से खटास निकाल दी है तुमने, वैसे ही हम सबके जीवन से खटास निकाल कर उसमें मिठास भर देते हो तुम, खुशियां भर देते हो। जी भला करे। वैराग्यों के आने जाने का समय तो तय होता नहीं, लेकिन गर्मी बहुत है यहाँ, ऊपर से पंखा झालने वाला भी कोई नहीं है। ए, पंखा है क्या? नहीं, इंतजार ही करना पड़ेगा महेश जी। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं लोग यहाँ, इन छोटे लोगों की परेशानियां कभी खत्म होती ही नहीं है। साईं, इसी सब में उलझे रहेंगे तो हम बड़े लोगों की मदद कब करेंगे? Mm-hmm.
बंद करिए, क्या मुझे शांति से बैठने मिल जाएगी? यही रोजगार है मेरा बाबूजी, यहाँ आने में ही आधा दिन निकल गया, कुछ काम नहीं किया मैंने। जब तक साईं आते हैं तब तक थोड़ा काम निपटा लूंगी। चुप हो जा बेटा, अब तो साईं के दर पे आ गया है, यहां से सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये साई है? मेरा नाम सक्कावा है, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। बड़ी दूर से इसे उम्मीद में लेकर आई हूँ इसे यहाँ, अब आप ही मेरे बेटे की जिंदगी बचा सकते हैं साई। उसका इलाज कैसे पहले होगा? पहले तो मैं आया हूं। तुम आए पहले जरूर थे लेकिन दूर। इसका रोग तो बहुत बढ़ गया है, इसे लेकर पहले क्यों नहीं आई माई? चाहती तो थी लेकिन ना तो मेरे पास इलाज के पैसे ना ऊंची जात, डर लगा पता नहीं आप अंदर आने भी देंगे या नहीं। फिर सुना आपके कारण अछूतों की बस्ती में भी दिवाली हुई, आपने दिए जलाए वो भी तेल से नहीं पानी से, उसी चमत्कार की रोशनी में मेरी आंखें भी खुली। हाँ मैंने सोचा आप ही मेरी मदद कर सके। बस बहुत हो गया उसका इलाज, अब मेरी सुनो। मुझे नींद नहीं आती है, इतनी रातों से सोया नहीं हूं जिसकी गिनती भी संभव नहीं है। आसपास के गांव के हकीम वैद्य ज्योतिषी सबको दिखा लिया मैंने, तुम्हारे इलाज के बारे में काशीराम से सुना था इसलिए आया हूँ। कर पाओगे इलाज मेरा? ये तो साफ बोल दो, मैं घर चला जाता हूँ, वैसे भी बहुत गर्मी है यहाँ। तुम करते क्या हो? पिताजी के खेत हैं। तो खेत में हल चलाते हो? अरे नहीं नहीं, उसके लिए तो किसान है जो हमारे लिए काम करते हैं। तो फिर बाजार में जाकर अनाज बेचते होगे? वो काम हमारा मुनीम करता है। तो फिर तुम उसका हिसाब किताब तो रखते ही होगे? नहीं, वो पिताजी रखते हैं, और इन सवालों का क्या मतलब है? तुम इलाज कर रहे हो या नहीं? मेरे पास इन बातों के लिए समय नहीं है। तुम्हारी व्यस्तता मैं समझ गया।
ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई 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 मेरे साई। इस मिट्टी का लेप अपने बच्चे के शरीर पर लगाना, सिर को छोड़कर। अब 3 दिन बाद आना। और मेरी दवाई? तुम्हारे लिए भी मिट्टी ही तुम्हारा इलाज है। तुम्हें भी अपने शरीर को मिट्टी से ढककर रखना होगा। मिट्टी से? पर 2 अलग-अलग बीमारियों का इलाज एक ही मिट्टी से कैसे संभव है? दवाई चाहिए या नहीं, ये बताओ। अब आ ही गया हूं तो ये भी आजमा लेता हूं। हाथ दो। तुमने तो कहा था इस मिट्टी का लेप लगाना है और इतनी सी मिट्टी दे रहे हो मुझे, मजाक कर रहे हो क्या? बाकी की मिट्टी तुम्हें तुम्हारे खेत में ही मिल जाएगी, पर याद रहे दवा का असर होने के लिए तुम्हें खुद अपने हाथों से खोदना पड़ेगा और उसका लेप पूरे शरीर पर लगाना पड़ेगा, वो भी साफ जमीन पर बैठकर। और उस जमीन को भी तुम खुद साफ करोगी। वचन दो। मुझे खेत जाना होगा इतनी गर्मी में? और वो भी लगातार 3 दिनों तक। तीन दिन तक? ठीक है, ये भी आजमा कर देख लेता हूं। और मेरी बात सुन लो, मेरा समय बर्बाद जाए मुझे अच्छा नहीं लगता। गई नहीं माई? मेरे पास इलाज के पैसे नहीं थे, लेकिन आपने मुझे दवाई दी, बदले में मुझे कुछ तो देना चाहिए ना। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। जाओ माई, 3 दिन तक अपने बच्चे की सेवा करो, फिर आना। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं भाई, बाकी अल्लाह मालिक। अच्छा किया अपनी आत्या को लेने आए हो, लेकिन समझाना उन्हें इस बार श्राद्ध कर दे। वैनी ना किसी की सुनती है ना समझती है। अरे इंसान जन्म लेता है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, कब तक शोक मनाएंगी वो?
एक साथ एक ही घर में रहते हैं, सुनना तो हमें पड़ता ना लोगों से। समाज के बनाए रीति रिवाजों का पालन तो सबको करना पड़ता है। स्वर्गीय आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध जरूरी है या नहीं? वहिनी तो 13वीं करने के लिए भी तैयार नहीं थी, वो भी हमने की। अब श्राद्ध नहीं करने देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारी संतानों पर? समझाना अपने आत्या को।